मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोलह साल में पता नहीं कितने सारे टेलीविजन शोस फिल्में कर ली हैं लेकिन मैंने तो आज तक समझा नहीं की हम कोई किसी को वो शेडो करता है कभी कभी हम बहुत ज्यादा चॉइसेस और चूजिंग के चक्कर में काम को छोड़ते चले जाते हैं काम मैंने भी किया है कई साल बैठा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फिल्मी फंड एन फ्स डॉट कॉम मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर चीकू की मम्मी दूर की इस सीरियल में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार काम कर रहे हैं उसमें से एक कलाकार मेरे साथ हैं हिमांशु अशोक वेलकम टू तो जॉइन फूल थैंक यू ओके okay. हिमांशु किस तरह का किरदार है इसमें और क्या करेक्टर है ये बहुत ही अडोरेबल लविंग अफेक्शनेट फादर है हाँ. और uh, काम वाम करते हैं रियल इस्टेट का काम है हुँ. और uh, बहुत ही अच्छी सुलझा हुआ किरदार है हाँ. और बहुत एथिकल वैल्यू और किरदार है तो बड़ा पॉजिटिव अफेक्शनेट वार्म एथिकल प्यारा है सा है <laughs> और ये जब कहानी में जो ये टाइटल है ये अपने आप में थोड़ा सा आश्चर्य में डालता है ना ये टाइटल बड़ा कमाल का हाँ। है चीकू की मम्मी दूर, दूर की <laughs> <laughs> तो बड़ा अलग सा है डिस्टिंग है इस है। तरह के टाइटल आपको जनरली टेलीविजन पे नहीं मिलेंगे लेकिन आ, हमारे जो प्रोड्यूसर्स है नीलांसना जी और हिरम जी आई थिंक स्टार्टिंग में पहले कोई और था इसका टाइटल hmm. फिर आई थिंक जब हम लोग शूट करे थे फर्स्ट डे तो उन्होंने बताया था कि ये टाइटल हम थोड़ा सा अलग सा रखना चाहते हैं एंड आई थिंक नॉर्मल किरदार होता तो इतना टेंशन ले नहीं पाता तो हम हैप्पी इट्स इंटरेस्टिंग टाइटल ची क्यू की मम्मी दूर की <laughs> <laughs> okay. दूर दूर रहते हैं मिल नहीं पाते क्योंकि मिल जाएंगे तो शो खत्म हो जाएगा ठीक <laughs> है तो ये जो स्ट्रगल वाली एक स्टोरी है उसमें आप एक तरह से बीच में हैं कहीं ना कहीं माँ के और बच्ची के बीच में

आग अच्छे से रहे कि ना ज्यादा right. लेकिन एक बच्चे के साथ काम करना <laughs> एक बड़ा ही खूबसूरत मुझे मेरी जिंदगी के कुछ बेहतरीन एक्सपीरियंसिस है क्योंकि बच्चा वैसे भी बहुत प्यार है और छोटी सी है दस ग्यारह साल की है और उसकी कला उसकी संपूर्णता उसका डांस और उसका अपने क्राफ्ट पे इतनी अच्छी पकड़ और बड़े अच्छे से वो करती है बड़ी खूबसूरती से करती है और उसके साथ आ, वो इमोशंस मुझे लगता, बड़े, बड़े प्योर इमोशंस आते हैं बच्चों के साथ बिल्कुल मतलब उसमें कोई छल नहीं है कोई कपट नहीं है कोई करप्शन नहीं है क्राफ्ट में बहुत प्योर तरीके से क्राफ्ट है लेकिन ऐसे में कभी कभी एक्टर डर भी जाता है कि ऐसा ना ओवर दी गलत फहमी है हर कलाकार के लिए कि ये ओवर शेडो कोई कर लेगा या कोई ओवर एक सीन दो लोगों से बनता है या तीन लोगों से बनता है अगर मैंने अच्छा काम कर भी दिया सामने वाले ने अच्छा रिएक्शन नहीं भी दिया तो सीन अपने आप स... खराब हो जाता रही है।, रही तो है तो ये तो तालमेल का सिस्टम है आई थिंक टू एक्टर्स नीड टू कॉम्प्लीमेंट टीच अदर सोलह लेकिन मैंने आप अपना काम करते होता है।, है, है आप ऐसा तो है कि दायरे से बाहर चले जाएंगे अपने right, किरदार को लेकर क्योंकि आप किसी को ओवर शेडो करना चाहते हो ना दूसरा कोई कर सकता है तो आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट टू कॉम्प्लीमेंट टीच अदर सो देट मैजिकल सीन राइट सोलह साल से आप टीवी कर रहे हैं और बाकी चीजें भी रहे हैं। ऐसे में जब एक नया किरदार आता है तो आप उसको चूज कैसे करते हैं मतलब क्या आप देखते हैं क्योंकि इतने साल में इतने किरदार करेक्ट बात है कैसे होता है आई थिंक एज़ एन एक्टर यू ऑलवेज वांट टू डू समथिंग डिफरेंट बट हर बारी आपको मिलता नहीं है मौका फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि um, और मुझे लगता है चूज करने से भी ज्यादा काम करना बड़ा जरूरी है कभी कभी हम बहुत ज्यादा चॉइसेस और तो चूजिंग के चक्कर में काम को छोड़ते चले जाते हैं ये काम मैंने भी किया है कई साल बैठा हूँ <laughs> तो मुझे समझ में आता है कि नहीं बहुत ज्यादा चूजे जब अब हो जाते हैं क्योंकि आप नया करना चाहते हैं नया आपको ऑफर नहीं होता क्योंकि बहुत सारे लोग नया देख नहीं पाते आपके right. अंदर क्योंकि उन्होंने जो देखा है वो उसी सिरे में बंदे रहते हैं बट जैसे जैसे आप कुछ नया जैसे जैसे आप करते चले जाते हैं तो वहां से कुछ नए सिरे नए दायरे खुलते चले जाते हैं तो मुझे लगता है काम करना ज्यादा जरूरी है और जो भी काम आप करते हो ये भी इसमें एक बड़ा नयापन ये होता है कि यही किरदार ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं किया मैंने भी किया है लव मैरिज अरेंज मैरिज करके स्फेर ओरिजिन का इन्हीं का शो था बंदिशी का कुछ सात आठ साल पहले लेकिन क्या होता है ना आठ साल पहले आपकी कला की समझ अलग होती है आपकी समझ अलग है आपके न्यूएंसेज अलग है आपका तरीका अलग है आपके टोन अलग है आपका ठहराव अलग है

तो फिर मुझे लग पार्टिकर और शाहरुख खान साहब की एक्टिंग करता था अवार्ड हाँ। जीते बट मुझे लगता है फिर भी ध्यान क्रिकेट की तरफ ज्यादा था फिर जब क्रिकेट छूटा तो फिर ऐसा लगा कि ये वापस आ गया दोबारा शायद ऊपर वाला बॉम्बे पहुंचाना चाह रहा था शायद वो कला के माध्यम से कुछ सिखाना चाह रहा था समझाना चाह रहा था या जिंदगी को नई दिशा देना चाह रहा था मुझे लगता है okay, जब आपने नई दिशा पकड़ी कि मुझे एक्टर बनना है तो जो दिशा पकड़ने के बाद सफलता तक का सफर था उस बीच में क्या क्या चैलेंजेस थे और कितनी देर लगी उसको पाने में संघर्ष तो होगा जीवन जीवन का उद्देश्य मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे बच्चन साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा वो तो होना ही है क्योंकि आखिरी सांस तक अगर आप कह रहे हैं कि स्ट्राइफ़ और स्ट्रगल ना हो तो मेरी जिंदगी अपने आप अपना अस्तित्व तो खो बैठती है तो बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं बहुत सारे स्ट्राइफ़ हैं बहुत सारी, है, सारी परेशानियाँ दिक्कतें मुसीबतें फेलियर्स बहुत सारे शोज़ किए नहीं चले आ, बहुत सारे शोज़ किए कहीं कोई प्रॉब्लम है कहीं कोई प्रॉब्लम है आ, बट ये चलता रहता मुझे लगता है बट मैंने कहा जैसा मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से कि करते रहना बड़ा ज़रूरी है राइट मुझे एक सेंटेंस किसी ने बताया था मैं यहीं पर दस आठ नौ साल पहले एक शो करता था भागों वाली करके शो था जय माता साहब का और आ, मैं काफ़ी परेशान था उस शो के अंदर क्योंकि रोज आना जाना थर्टी डेज मंथ है वो शूटिंग शो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था तो मैं किसी से मुलाकात होती थी तो उन्होंने फ़ोन पर मुझे कहा था कि बेटा आज का दिन हो गया ना बस आगे बढ़ो मुझे लगता है जिंदगी को भी और काम को भी ऐसे लेना जरूरी है आज का दिन हो गया आगे बढ़ो ना ज्यादा पीछे देखो ना ज्यादा आगे देखो वन डे एट अ टाइम

उसमें खुशी मिल जाती है कुछ चीज़ें जो इच्छा अनुसार नहीं होती उसमें हमें दुख होता है तो इनसे थोड़ा सा परे होना जरूरी है थैंक यू हमांशु थैंक यू यूकम थैंक यू सो मच थैंक यू दे हिमांशु इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बात बताई जैसे कि हम साइड पर आए हुए हैं चीकू की मम्मी दूर की <laughs> तो यहाँ पर हमने बात की इनसे लेकिन मैं हमेशा की तरह वीडियो कंक्लूड करता हूँ कि काम करते रहना जरूरी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है तो क्योंकि काम करेंगे तो आपकी कला निकलेगी कला निकलेगी तो नयापन अपने आप आता ही जाएगा तो ये बहुत ज़रूरी कि आप काम करते रहें हाँ कई बार आपके हिसाब से काम होगा कई बार आपके हिसाब से काम नहीं होगा लेकिन जैसे क्रिकेट में होता है ना कि हर बॉल के हिसाब से आपको बैटिंग करनी होती है और हर बैट्समैन के हिसाब से आपको बॉलिंग करनी होती है तो जिंदगी भी कुछ इसी तरह की है अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ तब तक ले देखते रहिए सीखते रहिए जमे रहिए ऑल द वेरी बेस्ट एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है